इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस एट थ्री पॉइंट थ्री में ये है आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यानी यहाँ पर जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनका हमको क्यूब रूट बताना है आपको याद है क्लास सेवेंथ में हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था याद है तो जैसे हम स्क्वायर रूट निकाला करते थे सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्यूब रूट भी फाइंड आउट करेंगे तो कैसे होगा चलिए आपको बताती हूँ तो ये है आपका पहला वाला सब क्वेश्चन एट थाउजेंड अभी इसका आपको क्यूब रूट बताना है ठीक है तो क्यूब रूट आप कैसे बताओगे देखो सबसे पहले आप क्या करोगे ना ये जो एट दिख रहा है इसको फैक्टराइज करोगे इसके प्राइम फैक्टर्स आप निकालोगे जैसे कि एट है ना तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एट और आपको पता है ना कैसे फैक्टर्स निकाले जाते हैं क्या करेंगे हम यहाँ पर प्राइम नंबर्स लेंगे तो प्राइम नंबर्स आपको पता है वो नंबर जिसके पास दो ही फैक्टर्स होते हैं एक तो वन दूसरा वो नंबर खुद तो सबसे छोटा प्राइम नंबर तो टू हो सकता है तो यहाँ पर मैंने ले लिया टू ठीक है छोटे से शुरुआत करने का ठीक है फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाइए तो देखिए ये जो एट थाउजेंड है क्या हम इसको टू से डिवाइड कर सकते हैं यस कर सकते हैं है ना तो टू फोर जा क्या हो जाएगा एट बाकी ये जो तीन जीरो है एज इट इज आप कॉपी कर लीजिए ओके फिर उसके बाद ये जो फोर है इसको भी हम लोग टू से कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टू उसके बाद देखो टू टू जा फोर और ये जो तीन जीरो है इसको आप ऐसे लिख दीजिए ठीक है अगेन ये किससे जाएगा टू से ही जाएगा तो यहाँ पर लिखने का टू फिर आ, टू वंजा क्या होता है टू होता है देखो टू वनजा टू फिर ये तीन जीरो एज इट इज आप लिख लीजिए उसके बाद देखिए ये जो 1000 है क्या हम इसको टू से कैंसल आउट कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है टेन और टू के टेबल में टेन आता है यानी हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं टू से तो चलिए करते हैं टू यहाँ पे लिख दिया टू फाइव से क्या होता है टेन होता है यानी ये जो टेन है ये पांच बार में कैंसिल हो चुका है अभी ये जो ये जो दोनों जीरो हैं इनको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ठीक है अब बताइए 500 को क्या हम लोग टू से कैंसिल कर सकते हैं यस yes, कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जीरो है ना देखो कैसे होगा टू टू झा क्या होता है फोर होता है देखो टू टू झा फोर इसमें से कितना बचेगा वन बचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा फिर टू फाइव टेन और ये वाला जीरो यहाँ पर आ जाएगा समझ में आए कि नहीं समझा तो मैं आपको बताती हूँ देखो इधर क्या है फाइव हंड्रेड है इसको टू से आप डिवाइड करो तो टू टू झा फोर ठीक है माइनस करो क्या आएगा वन आएगा ये वाला जीरो यहाँ पे लिख देंगे टू फाइजा टेन ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला जीरो पे लिख दो देखो 250 फिफ्टी आएगी नहीं वही तो मैंने किया है डिवाइड कर दिया सिंपली ज्यादा कुछ भी नहीं किया ठीक है अब बताइए इसको हम लोग टू से कैंसिल कर सकते हैं यस सोचिए जरा तो कर सकते हैं इसको टू से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कैसे देखो टू वन सा टू ये तो खत्म हो गया अब यहाँ पे फाइव जीरो बचा हुआ है तो टू टू सा क्या होता है फोर होता है इसमें से वन बचेगा टू फाइव या टेन ओके समझा आपको उसके बाद 125 क्या हम इसको टू से कैंसिल कर सकते हैं नहीं अब ये वन हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेल्व तो हो जाएगा लेकिन ये फाइव बचा रह जाएगा तो थ्री से भी नहीं होगा थ्री के आगे प्राइम नंबर क्या है फाइव तो ये फाइव से कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर सकते हैं तो चलिए करते हैं देखिए कैसे होगा Uh, यहाँ पे क्या है 125 तो पहले ये दोनों नंबर्स ले लो फाइव टू सा क्या होता है टेन होता है इसमें से कितना बचेगा ट्वेल्व माइनस टेन करोगे तो टू आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव 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 ट्वेंटी फाइव देखो अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं समझता है तो आप ऐसे डिवाइड करके देखो वन ट्वेंटी फाइव 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 टू जा टेन फिर इसमें से टू बचेगा फाइव को इधर लिख दिया देखो फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव आया कि नहीं सही है ना फिर ये जो 25 है इसको 5 से कैंसिल करते हैं 5 5 है, 25 फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 1 5, 5 इतनी बात आपको समझ में आ गई चलिए बहुत अच्छी बात है तो ये फैक्टर्स तो आप समझ गए अभी क्यूब रूट हम कैसे बताएंगे हमें तो क्यूब रूट बताना था ना रुकिए आपको समझाती हूँ कैसे बताना है देखिए ये जो 8000 है 8000 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 8000 को तो यहाँ पे ये जो फैक्टर्स आए हैं ठीक है थीके? अगर आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो एट लास्ट आपको क्या मिलेगा एट थाउजेंड नहीं मिलेगा तो एट थाउजेंड को हम लोग ये इस तरीके से लिख सकते हैं कैसे देखो टू इंटू टू मतलब ये जो फैक्टर्स मिले हैं ना सबको आप इधर मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए ये टू कितने बार है तो छः बार है तो लिख देते हैं एक दो तीन चार पाँच छ ठीक है एक दो तीन चार पाँच छः हो गया पाँच कितने बार है तीन बार है तो यहाँ पर लिख दीजिए फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव समझ में आए कि नहीं और एक और बात बताऊं आपको क्यूब रूट का मतलब क्या होता है वो भी आपको समझना चाहिए क्यूब रूट यानी क्या यहाँ पे रूट उसके बाद यहां पे थ्री आता है थीके? इसको कहते हैं क्यूब रूट हमें एट थाउजेंड का क्यूब रूट यहाँ पर बताना है ओके और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये लेसन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको इसका बेसिक समझाया था ठीक है तो ये जो आपका क्यूब uh, रूट है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एट थाउजेंड का पावर वन बाई थ्री ठीक है ऐसे भी करके हम लोग इसको लिख सकते हैं ओके तो चलिए इसको तो मिटा देती हूँ अभी इसकी जरूरत नहीं है अब उसके बाद हम क्या करेंगे तो यहाँ पे तीन तीन की जोड़ी बनाएंगे कितने की तीन तीन की जैसे देखो ये तीन को एक साथ ले लेना ठीक है जब सेम नंबर्स लेंगे तभी आप जोड़ी बना सकते हो ऐसा नहीं कि इधर टू है इधर थ्री है फिर वो लोग को एक जोड़ी बना दिया ऐसा नहीं करना जब भी सेम नंबर्स रहेंगे तब जैसे इधर भी टू इधर भी टू तो हमने एक जोड़ी बना दी फिर ये टू टू की एक और जोड़ी बना दी फिर यहाँ पे फाइव फाइव की हमने जोड़ी बना दी ठीक है तो ये जो टू है ना वो कितने बार है बताना तो जरा तीन बार है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं टू का क्यूब इन टू फिर ये टू कितने बार है तो तीन बार है तो टू का क्यूब हम लिख सकते हैं फिर ये फाइव कितने बार है तो तीन बार है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ओके okay? इतनी बात समझ में आ गई उसके बाद क्या होगा तो यहाँ पर देखो हर एक का पावर क्या है थ्री है यानी पावर को हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो टू इंटू टू इंटू फाइव और इसका पावर आ गया मतलब पूरे का पावर थ्री आ गया ठीक है ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर ऐसा कुछ है ए रेज टू एम अपॉन बी रेज टू एम तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे नहीं है ना रुकिए मैं आपको बताती हूँ ये मैं पावर वाला लिख रही थी देखो अगर ऐसा है ए रेज टू एम इंटू बी रेज टू एम ठीक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं ये जो पावर है ना उसको कॉमन ले सकते हैं यानी इस प्रकार से हम लिख सकते ए इन b बी और इसका पावर एम समझ में आया तो वही मैंने यहाँ पर किया है ठीक है इतनी बात आपको क्लियर हो गई अब उसके बाद इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो टू टू जा फोर फोर फाइव ट्वेंटी तो यहां पर मैंने लिख दिया ट्वेंटी और इसका पावर तो वो थ्री रहेगा ही ठीक है तो यहां पर मैंने लिख दिया थ्री ओके क्लियर है आपको ये बात समझ में आ गई अब देखो यहाँ पर ये क्यूब रूट का मतलब क्या होता है ऐसा देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ यहाँ पे लिखेंगे देआर फॉर क्यूब रूट ऑफ एट थाउजेंड विच इज इक्वल टू देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे ये क्यूब रूट तो पहले से है आपको पता ही है अब ये जो 8000 है ना इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं 20 का क्यूब क्योंकि जब हमने इसको फैक्टराइज़ किया देखो 8000 को ही हमने इस प्रकार से लिखा है ना सबसे पहले उसको फैक्टराइज किया फिर ये सारे फैक्टर्स लिखे है हमने है ना मतलब ये जो है ना ये जो आपका 20 का क्यूब आपको दिखाई दे रहा है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपको 8000 ही मिलेगा अगर आप 20 का थ्री टाइम मल्टीप्लाई करोगे चाहो तो करके देख लो आपको क्या मिलेगा एट ही मिलेगा ठीक है ये बात आपको क्लियर हुई अब क्या होगा बताऊंगा आपको एक बात इधर ये जो थ्री है ना इसका पावर क्या है बताओ थ्री है और यहाँ पे क्या है क्यूब रूट तो ये थ्री से ये जो क्यूब रूट है ना वो कैंसिल हो जाएगा फिर यहाँ पे बचेगा क्या तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वेंटी यानी कि क्यूब रूट ऑफ एट थाउजेंड इज इक्वल टू क्या होता है ट्वेंटी होता है ठीक है ये कैंसिल कैसे हुआ आपको ये भी थोड़ा सा समझा देती हूँ क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना तो इसमें आप लोग एकदम अच्छे से डिटेल में इसको समझ लीजिए उसके बाद से फिर हम लोग आगे तो फटाफट करते जाएंगे ठीक है जैसे यहाँ पर क्या था आपको बताती हूँ देखो इस प्रकार से था क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी का क्यूब ठीक है तो ये जो क्यूब रूट है इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं मैंने आपको बताया था ना इसका पावर जो है वो क्या हो जाएगा वन अपॉन थ्री राइट ये क्यूब रूट मैंने हटा दिया तो इसका पावर पावर में क्या आ जाएगा वन अपॉन थ्री आ जाएगा अब क्या होगा देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों पावर्स का तो थ्री से थ्री क्या हो जाएंगे कैंसिल मतलब बचा क्या वन यानी कि ट्वेंटी का पावर वन तो इसका जो पावर है ये आपको वन लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है यानी फाइनल आंसर आपको क्या मिला ट्वेंटी वही तो मैंने बताया है ठीक है वैसे ही अगर यहां पे स्क्वायर रहता और यहां पे रहता है स्क्वायर रूट मतलब यहां पे थ्री नहीं रहता ओनली रूट रहता तो फिर हम स्क्वायर से वो रूट को कैंसिल कर सकते थे ओके समझ में आया आपको तो ये है आपका फाइनल आंसर ओके मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया रहेगा ठीक है अभी ज्यादा चिंता मत कीजिए आगे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आपको सारे कंसेप्ट उसी प्रकार से क्लियर होते जाएंगे ठीक है ये पहला समय ना तो आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हुई होगी लेकिन आगे बहुत सारे क्वेश्चन है जिन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे और एट uh, लास्ट आपको क्यूब रूट निकालना आ ही जाएगा ठीक है तो चलिए देखिए इसको उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे देखो आपको एक और बात बताती हूँ इसको पहले मत लिखना ये हमने लास्ट में लिख दिया ना बस हो गया यहाँ से इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया ये एट थाउजेंड के ही ये सारे फैक्टर्स निकाले और यहाँ तक हमने ये बस इसी का किया ठीक है इसके लिए यहाँ पर आप क्यूब रूट मत लिखिएगा यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं ना क्यूब रूट तो हो गया ठीक है इस प्रकार से आपको लिखना है यहाँ पर मत लिखिएगा चलिए चलिए यहां पर देखिए ये है आपका सेकेंड सब क्वेश्चन सेवन तो हमें क्या बताना है इसका क्यूब रूट हमको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम मैंने आपको क्या बताया था बताइए सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे यानी इसके हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 729 अब आप सोचिए कि 729 को हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं टू से कर सकते हैं क्या तो देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है नाइन यानी टू से तो ये नहीं जाने वाला तो टू के आगे क्या है थ्री तो चलिए थ्री से देखते हैं ये होगा क्या थ्री से तो जी हाँ ये थ्री से हो सकता है तो करें चलिए थ्री टू सा क्या होता है सिक्स होता है इसमें से वन बचेगा थ्री फोर सा ट्वेल्व फिर थ्री थ्री जा नाइन फिर से इसको थ्री से करते हैं तो थ्री Uh, क्या होता है देखो एट थ्री जो ट्वेंटी फोर होता है यानी थ्री एट सा क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर हो जाएगा फिर थ्री वन सा थ्री अगेन ये थ्री से जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा थ्री टू सा सिक्स इसमें से टू बचेगा थ्री सेवन सा क्या होता है ट्वेंटी वन फिर से ये थ्री से जाएगा तो थ्री यहाँ पे ट्वेंटी सेवन है ना तो थ्री नाइन सा क्या होता है ट्वेंटी सेवन फिर थ्री थ्री जा नाइन और लास्ट में थ्री वन जा जी तो ये देखिए हमने सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन के फैक्टर्स निकाल लिए तो ये जो फैक्टर्स हमें मिले हैं इनको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे तो कैसे कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री, थ्री। छः बार लिखना है एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है अब क्या करेंगे हम लोग तीन तीन की जोड़ी बनाएंगे ओके तीन तीन की आपको याद है स्क्वायर रूट में हम लोग दो दो की जोड़ी बनाते थे लेकिन क्यूब रूट में हमको तीन तीन की जोड़ी बनानी है तो देखो यहाँ पे ये तीन और ये तीन तो ये जो तीन है ना ये कितने बार है तीन बार तो हम लोग क्या लिख सकते थ्री का क्यूब इन टू फिर ये भी तीन बार है तो थ्री का क्यूब राइट उसके बाद देखो यहाँ पे दोनों का पावर क्या है सेम है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं पावर को कॉमन ले लेते हैं राइट अब थ्री थ्री सा क्या हो जाएगा नाइन और इसका पावर क्या आएगा थ्री आएगा राइट इतनी बात समझ में आ गई अब देखो यहां पर हम लिखेंगे दे आर फॉर क्यूब रूट ऑफ सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन विच इज इक्वल टू ये जो सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं नाइन का क्यूब लिख सकते हैं है ना क्योंकि जब हमने इसको सिंपलीफाई किया 729 को तो हमें क्या मिलता है 9 का क्यूब यानी 729 के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या है क्यूब रूट है अब क्या होगा मैंने आपको बताया था ना ये देखो ये क्यूब से क्यूब रूट हो जाएगा कैंसिल तो बचा क्या नाइन यानी इसका क्यूब रूट क्या आया नाइन आया तो यहाँ पे लिख देते देआर फॉर क्यूब रूट ऑफ सेवन हंड्रेड इज इक्वल टू नाइन ओके तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर देखा आपने कितना आसान था तो जो टाइम लगा बस पहले क्वेश्चन में लगा क्योंकि वो आप पहली बार समझ रहे थे ना इसके लिए मुझे लगा कि आपको डिटेल में बताना चाहिए बाकी ये वाला तो आपको समझ में आया ना इसी तरीके के जो आगे के क्वेश्चन है वो भी हम लोग बहुत ही फटाफट से करेंगे पहले आप इसको देखो फिर चलते हैं हम आगे यहाँ पर देखिए ये है आपका थर्ड सब क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे नंबर क्या दिया है थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री इसका हमको क्यूब रूट बताना है तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया 343 तो सोचिए 343 को हम लोग किससे कैंसिल कर सकते हैं तो टू से कर सकते हैं क्या टू के टेबल में ये जाएगा नहीं जाएगा अच्छा थ्री में जाएगा तो थ्री में भी नहीं जाएगा फाइव में नहीं सेवन में जाएगा तो चेक करो एक बार सेवन में ये चला जाएगा कैसे आपको बताती हूँ देखो यहाँ पर लिखिए सेवन अब इसको आप लोग डिवाइड करो तो सेवन फोर सा क्या होता है ट्वेंटी एट होता है फिर इसमें से कितना बचेगा थर्टी फोर माइनस ट्वेंटी एट करो क्या आएगा सिक्स आएगा तो ये थ्री और यहाँ पर सिक्स दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे सिक्सटी थ्री ठीक है सेवन के टेबल में सिक्सटी थ्री आता है याद कीजिए सेवन नाइनजा क्या होता है सिक्सटी थ्री होता है मतलब यहाँ पे आ जाएगा नाइन समझे कि नहीं सेवन नाइन सा सिक्सटी थ्री उसके बाद फिर सेवन के टेबल में फोर्टी नाइन आता है आता है ना सेवन सेवन सा फोर्टी नाइन फिर जाके सेवन वन सा सेवन तो ये देखिए हमने 343 के फैक्टर्स निकाल लिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन ठीक है तो ये तीन है तीन बार है ना तो सेवन का क्यूब आ जाएगा राइट अब यहाँ पर लिखेंगे दे आर फॉर क्यूब रूट ऑफ थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री ओके थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो क्यूब रूट ऑफ और यहाँ पर ये यह जो थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सेवन का क्यूब करके लिख सकते हैं अब क्या होगा ये जो क्यूब है ना इससे ये क्यूब रूट हो जाएगा आपका कैंसल तो बचा क्या सेवन यानी क्यूब रूट ऑफ थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री क्या आ जाएगा सेवन ओके इसका आंसर आ जाएगा सेवन समझ में आया आपको तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ अभी फोर्थ की बारी है क्या यहाँ पे माइनस फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व तो माइनस देख करके आप डरिएगा मत कुछ नहीं करना लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोग चुपचाप से माइनस लगा देंगे बस इतना सा ही करना है तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्या है फाइव हंड्रेड ट्वेल्व तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे तो चलिए करते हैं यहाँ पर देखो मैंने लिखा फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व आप सोचिए इसको हम लोग किससे कैंसिल कर सकते हैं तो टू से ये जाएगा देखो कैसे टू टू ज़ा फोर इसमें से वन बचेगा टू फाइव ज़ा टेन फिर टू जै टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व ओके समझ में आ रहे ना नहीं आता है तो डिवाइड करके आप लोग एक बार देख लिया करो फिर इसको टू से करते टू वन जॉ टू 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 ज़ा फोर टू एट जा सिक्सटीन फिर टू से करेंगे टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू फोर ज़ा एट फिर टू से करेंगे टू थ्री जिक्स टू टू ज़ा फोर और फिर इसको टू से करेंगे टू टू ज़ा टू टू ज़ा नहीं टू वन ज़ा टू टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व फिर से टू से करिए टू एट ज़ा सिक्सटीन अगेन टू से टू फोर ज़ा टू टू ज़ा और लास्ट में आ जाएगा टू वन ज़ा ओके तो ये फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा आपको बताती हूँ ये जो माइनस है ना इसको आप बाहर रहने दो और ये सबको जो भी फैक्टर्स आपको मिले हैं ना इन्हें आप लोग ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस को ऐसे बाहर निकाल दीजिए ठीक है तो फाइव हंड्रेड ट्वेल्व के ये जो फैक्टर्स आए हैं देखो दो कितने बार है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ बार लिखते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ ठीक है समझ में आया आपको अब हम क्या करेंगे तीन तीन की जोड़ी बनाएंगे ये जो टू है ना इसको इधर ही ले लेते हैं यस तो ये तीन की जोड़ी तो क्या हो जाएगा देखो माइनस फिर यहां पर ये जो टू है हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं टू का क्यूब करके लिख सकते हैं है ना फिर उसके बाद क्या होगा रुकिए यहां पर ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। फिर ये तीनों की जोड़ी बना देते हैं तो क्या लिखेंगे टू का क्यूब फिर यहाँ पे ये तीनों की जोड़ी तो क्या हो जाएगा टू का क्यूब ठीक है अब हम लोग एक काम करते हैं क्यूब को कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या आएगा देखो माइनस और यहाँ पर टू इंटू टू इंटू टू और इसका क्यूब बाहर आ जाएगा ठीक है अब क्या होगा तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टू टू जा फोर फोर टू जा एट यानी यहाँ पे आया क्या एट का क्यूब राइट और माइनस तो यहाँ पे है ही अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे लिखिए दे फॉर क्यूब रूट ऑफ माइनस फाइव हंड्रेड ट्वेल्व विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो एकदम ध्यान से देखो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट और ये जो माइनस फाइव हंड्रेड ट्वेल्व है ना इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस एट का क्यूब लिख सकते हैं हाँ जी ना जी लिख सकते हैं अब क्या होगा तो ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल बचा क्या माइनस एट यानी क्यूब रूट ऑफ माइनस फाइव हंड्रेड ट्वेल्व क्या आता है माइनस एट आता है समझे समझ में आया ना तो यहाँ पे आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ आप लोग देख सकते हो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तो ये है आपका फिफ्थ वाला सब क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो ये है आपका नंबर इसका क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो चलिए करते हैं यहाँ पर मैं लिखती हूँ टू सेवन फोर फोर ठीक है अभी इसके फैक्टर्स हम लोग निकाल लेते हैं तो टू से इसको पहले कैंसिल कर दे टू वन जा टू टू थ्री जिक्स टू सेवन ज फोर्टीन टू टू ज़ा फोर है ना कैसे हुआ देखो टू वन जा टू टू थ्री जा सिक्स इसमें से वन बचेगा टू सेवन सा फोर्टीन और फिर टू टू ज़ा फोर फिर से टू से, कर से, 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 so, से करते टू सिक्स झा ट्वेल्व इसमें से वन बचेगा टू एट जो सिक्सटीन टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व फिर टू से करते टू थ्री जो सिक्स टू फोर ज़ा एट टू थ्री ज़ा सिक्स राइट अब बताओ थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री को क्या हम लोग टू से डिवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते अच्छा थ्री से कर सकते हैं तो थ्री से भी ये नहीं होने वाला तो किससे होगा फाइव से नहीं सेवन से जी हाँ सेवन से हो सकता है तो देखो सेवन फोर सा क्या होता है ट्वेंटी एट इसमें से बचेगा सिक्स और सेवन नाइन सा क्या होता है सिक्सटी थ्री फिर सेवन सेवन सा फोर्टी नाइन एंड लास्ट में क्या आ जाएगा सेवन वन सा सेवन ठीक है तो ये आ गए इसके फैक्टर्स अभी हम क्या लिखेंगे देखो माइनस को ऐसे बाहर लिख दो माइनस को बाहर लिखना ठीक है उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये जो फैक्टर्स हमें मिले हैं इसके लिख देते हैं टू 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 कितने बार है तीन बार टू इंटू टू इंटू टू सात कितनी बार है तीन बार है तो सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन ठीक है अब क्या करना है रुकिए आपको बताती हूँ यहाँ पर माइनस को बाहर रहने दो देखो ये तीन बार है ये भी तीन बार है तो हम क्या लिख सकते हैं टू का क्यूब इंटू सेवन का क्यूब है कि नहीं उसके बाद क्या होगा देखिए ध्यान से क्यूब को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस टू इंटू सेवन और फिर यहाँ पे क्यूब इसका मतलब वो बाहर चला जाएगा कॉमन ठीक है फिर उसके बाद क्या होगा देखो टू सेवन से क्या होता है होता है तो यहाँ पे आएगा माइनस फोर्टीन और इसका क्यूब ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ गई अब इसका क्यूब रूट हमें बताना है ना तो यहाँ पे लिखते है देआर फॉर क्यूब रूट ऑफ माइनस टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर विच इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ देखो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस फोर्टीन और फिर जाके इसका क्यूब अब होगा क्या क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा मतलब क्या आया माइनस फोर्टीन यानी कि माइनस फोर्टीन का जब आप क्यूब करोगे ना तो फिर आपको क्या मिलेगा माइनस टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर यानी कि क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर क्या हो जाएगा माइनस फोर्टीन ओके बात समझ में आ रही है आपको देखो अगर आपको चेक करना है कि हमने ये जो आंसर निकाला वो सही है कि गलत है तो ये आप कैसे करोगे पता है ये जो माइनस फोर्टीन है ना इसका मल्टीप्लाई करना तीन बार कितने बार तीन बार ओके okay, इस तरीके से माइनस फोर्टीन इंटू माइनस फोर्टीन इंटू माइनस फोर्टीन ठीक है अगर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करने पे अगर ये नंबर आया तो फिर आप समझ लो कि हमने जो आंसर निकाला है वो एकदम राइट right है लेकिन अगर वो नहीं आया तो फिर आप समझिए कि आपने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताती हूँ ठीक है एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते टू का ठीक है मैंने आपसे बोला कि आप है ना यस yes. ट का क्यूब रूट बताइए तो क्यूब रूट ऑफ एट क्या होता है पता है आपको टू होता है ठीक है अब मुझे पता लगाना है कि ये जो मैंने टू बोला ये सही है कि नहीं क्या सच्ची में क्यूब रूट ऑफ एट टू ही होता है तो क्या करेंगे हम टू का मल्टीप्लाई करेंगे तीन बार देखो टू इंटू टू इंटू टू मल्टीप्लाई करो टू टू झा फोर फोर टू या एट देखो क्या आया एट यानी क्यूब रूट ऑफ एट इज इक्वल टू क्या होता है टू ही होता है ठीक है समझ में आया आपको यस yes. चलिए अभी सिक्स वन देख लेते हैं और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट सब क्वेश्चन है क्या करेंगे हम वही फैक्टराइज करेंगे तो लिखते हैं यहाँ पे थ्री टू सेवन सिक्स एट राइट अब इसको हम लोग किससे कैंसिल करें तो चलिए टू से करते हैं तो टू वन झा टू एकदम ध्यान से देखिएगा इसमें से वन बचेगा टू सिक्स फिर टू थ्री झा सिक्स इसमें वन बचेगा टू एट झा सिक्सटीन फिर टू फोर जा एट राइट फिर इसको टू से करते हैं टू एट ज़ा सिक्सटीन फिर टू वन जा टू इसमें से बचेगा टू नाइन ज़ा एटीन और टू टू ज़ा फोर फिर से टू से करते हैं तो टू फोर ज़ा एट फिर ये दो नंबर्स एक साथ लेना पड़ेगा है ना क्योंकि वन तो टू के टेबल में आने नहीं वाला है ना तो सुनो एकदम ध्यान से सुनो इधर इधर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए नहीं तो इधर पक्का गलती तो होगी देखो क्या करना है जब हम दो नंबर्स एक साथ लेते हैं ना तो फिर हमें यहाँ पे जीरो लगाना पड़ता है आप लोगों ने सीखा होगा जब भी हम लोग ऐसे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो एक नंबर को नीचे लिखा तो कोई बात नहीं लेकिन अगर हम लोग दो नंबर को एक साथ लिखते हैं तो वहां पे हम लोग जीरो लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं दो नंबर एक साथ में ले रही हूँ तो यहाँ पे मुझे जीरो लगाना पड़ेगा ठीक है फिर टू नाइन जै क्या हो जाएगा एटीन इसमें से सेवन बचेगा टू सिक्स फिर करिए टू टू 4, ये जीरो तो यहीं पे आएगा टू फोर एट टू 16. फिर से टू से कर, आ, करते हैं टू वन जो टू जीरो अगेन टू से करो ये लगता है पूरा टू लास्ट तक जाएगा चलो देखते हैं टू टू जा फोर फिर इसमें समय बचेगा टू फाइव 10, टेन टू सिक्स अगेन टू से करो टू वन जा टू 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 झा फोर टू एट फिर टू सिक्स टू फोर झा एट फिर टू से करते टू थ्री झा सिक्स टू टू झा फोर फिर टू से टू वन झा टू सिक्स टू एट बहुत नीचे तक जाएगा फिर टू फोर टू टू झा और लास्ट में आ गया टू वन झा यस फाइनली ये खत्म हुआ ठीक है तो हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर लिखेंगे तो चलिए लिखते हैं टू कितने बार है देखना पड़ेगा देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह बार है ठीक है तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू को एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ देखो दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये हो गया पंद्रह ठीक है तो यहाँ पे हमने ये जो फैक्टर्स थे उसको लिख दिया उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे तो तीन तीन के जोड़े बनाएंगे तो ये देखो ये तीन को एक साथ ले लेना तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं टू का क्यूब इन फिर ये तीनों को एक साथ में ले लेना तो टू का क्यूब फिर ये तीनों को एक साथ में तो टू का क्यूब फिर यहाँ पे भी देखो ये तीनों को एक साथ में ले लेना और ये तीनों को एक साथ में राइट आपको ऐसे ना करके दिखाना नहीं है ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी ठीक है इसको देखो मैं यहाँ से मिटा देती हूँ आपको ऐसे एग्जाम में बताना नहीं है कि हमने इस तरीके से इसकी जोड़ी बनाई बिल्कुल भी नहीं ये बस आपके समझने के लिए मैं कर रही हूँ ओके अब क्या होगा तो ये जो इसके पावर्स है ना इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा देखो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितने बार है पाँच बार एक दो तो तीन चार पाँच यस और पूरे का पावर क्या आ जाएगा थ्री ठीक है अब मल्टीप्लाई करते टू टू झा फोर फोर टू झा एट एट टू ईटीन सिक्सटी टूजा थर्टी टू मतलब यहाँ पर क्या आएगा थर्टी टू का क्यूब ठीक है तो अभी इसका क्यूब रूट हमको बताना था ना तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि दे आर फॉर क्यूब रूट ऑफ थ्री टू सेवन सिक्स एट विच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम देखो एकदम ध्यान से क्यूब रूट ऑफ थर्टी टू का क्यूब क्या होगा क्यूब से ये क्यूब रूट कट जाएगा मतलब यहाँ पर क्या आ गया थर्टी टू यानी क्यूब रूट ऑफ थर्टी टू था टू मतलब थर्टी टू का जब आप क्यूब करोगे यानी तीन बार जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी एट समझ में आया आपको तो यहाँ पे आपका ये जो पहला क्वेश्चन था ये हमने कंप्लीट कर लिया है आप लोग देख सकते हो अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर टू ठीक है तो पहले आप इसको देखो फिर हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे चलिए अभी क्वेश्चन नंबर टू हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया गया है सिंप्लीफाई पे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है मतलब उसको सॉल्व करना है ठीक है तो ये है आपका पहला वाला सब क्वेश्चन क्या है क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन अपॉन वन तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए हमें करना क्या है आपको एक्चुअल में वो पहले आप समझ लीजिए ये जो क्यूब रूट है ना इसे हमें यहाँ से हटाना है तो कैसे हटेगा चलिए आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या है ट्वेंटी सेवन इधर है 125, तो सबसे पहला काम फैक्टराइज करेंगे ट्वेंटी सेवन और वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव को तो ट्वेंटी सेवन को आप फैक्टराइज कीजिए बताइए क्या आएगा किससे ये कैंसिल हो सकता है सोचो सोचो कोई प्राइम नंबर ले लो टू से होगा नहीं थ्री से तो थ्री के टेबल में ट्वेंटी सेवन आता है पढ़ाए ना आता है थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री ज़ा नाइन थ्री वन जा थ्री ठीक है फिर ये वन ट्वेंटी फाइव इसको भी थोड़ा फैक्ट्राइज कीजिए तो किससे जाएगा तीन से जाएगा नहीं पाँच से जाएगा जी हाँ फाइव टू जा टेंथ और फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फिर फाइव से फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फाइव वन जा फाइव ठीक है तो इन दोनों के फैक्टर्स हमको मिल चुके हैं तो क्या करेंगे हम यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे ऐसे ट्वेंटी सेवन के प्लेस पर बोलो क्या लिखेंगे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री है कि नहीं फिर वन ट्वेंटी फाइव के प्लेस पे फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव सो फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव ओके इतनी बात समझ में आ गई अब क्या करना है सुनो एकदम ध्यान से यहाँ पे है क्यूब रूट तो इसको ऐसे रहने दो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री कितने बार है तीन बार है यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं थ्री का क्यूब जी हाँ फाइव कितने बार है तीन बार तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फाइव का क्यूब ठीक है अब क्या होगा ये जो इसके पावर है ना इसका पावर भी थ्री है इसका पावर भी थ्री है तो हम एक काम कर सकते हैं इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं यानी रुकिए आपको बताती हूँ देखो कैसे होगा यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट उसके बाद ब्रैकेट के अंदर थ्री अपॉन फाइव और इन दोनों का पावर क्या आ जाएगा थ्री हम मैंने क्या किया ये जो पावर है ना इसको कॉमन ले लिया क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्या बताया था देखो अगर ऐसा कुछ है ए रेज टू एम अपॉन बी रेज टू एम तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना ए अपॉन बी और फिर पूरे का पावर एम ठीक है तो आपको ये रीजन भी लिख करके दिखाना चाहिए ठीक है तो एग्जाम में आप क्या कर सकते हो इस प्रकार से रीजन भी लिख करके दिखा सकते हो अच्छा रहेगा दिखा दीजिएगा ठीक है अब क्या होगा मैंने आपको क्या बताया था इसका पावर क्या है थ्री और यहाँ पे क्या है क्यूब रूट तो क्या होगा क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल बचा क्या थ्री अपॉन फाइव तो यहाँ पर हम लिख देंगे थ्री अपॉन फाइव समझ में आया तो ये देखिए इसको हमने सॉल्व कर दिया इसका आंसर आया थ्री अपॉन फाइव ठीक है इसका सिंपल फॉर्म ये है समझे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आप लोग देख सकते हो चलिए अभी सेकेंड सब क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर देखो क्या है क्यूब रूट ऑफ सिक्सटीन अपॉन फिफ्टी फोर तो इसको कैसे किया जाए क्या करेंगे जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना उसी तरीके से हम क्या करेंगे ये जो सिक्सटीन है ना इसको फैक्टराइज करेंगे और फिफ्टी फोर को फैक्टराइज करेंगे तो चलिए करते हैं यहाँ पर सिक्सटीन को हम फैक्टराइज कर लेते हैं और यहाँ पर फिफ्टी फ़ोर को तो आप सोचो कोई एक ऐसा नंबर जिससे ये सिक्सटीन कैंसिल हो पाए छोटे से शुरुआत करनी है तो टू ले लेते हैं टू ही सबसे छोटा है टू एट ज़ा सिक्सटीन टू फोर ज़ा एट फिर टू टू ज़ा फ़ोर टू वन ज़ा टू ठीक है इसको फैक्टराइज करते हैं तो टू टू ज़ा फ़ोर इसमें से मन बचेगा टू सेवन ज़ा फोरटीन आ जाएगा फिर उसके बाद अब सोचो ये किससे जाएगा ट्वेंटी सेवन तो टू से तो जाने से रहा थ्री ले लेते हैं थ्री नाइन जी सेवन थ्री थ्री जी वन जी ठीक है तो ये फैक्टर्स हमें मिले हैं तो सिक्सटीन के फैक्टर्स ये हैं चलिए लिख देते हैं कितने बार है टू आ, चार बार है तो यहाँ पे लिखते हैं एक दो तीन चार ठीक है फिर फिफ्टी फोर के फैक्टर्स तो टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ओके वही है ना आप लोग देख सकते हो अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या तो आप कैंसिल कर सकते हो तो ये देखो ये वाले टू से ये वाला टू कैंसल हो जाएगा ना ऊपर भी टू नीचे भी टू ठीक है तो हम लोग उसको कट कर सकते हैं तो यहाँ पे बचा क्या देखो क्यूब रूट ऑफ टू इंटू टू इंटू टू और नीचे क्या बचा थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री बराबर अब क्या होगा देखो क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे क्या है टू इंटू टू इंटू टू कितने बार है टू तीन बार है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं टू का क्यूब करके लिख सकते हैं इसको फिर उसके बाद तीन कितने बार है तीन बार है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं थ्री का क्यूब सही है ना उसके बाद क्या होगा इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्यूब रूट ऑफ क्या लिखेंगे टू अपॉन थ्री और पूरे का क्यूब कैसे लिख दिया इसका कारण बताओगे बता देना अच्छा रहेगा ठीक है अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं ओके okay, अब क्या होगा तो ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल बचा क्या बताना टू अपॉन थ्री तो ये है आपका फाइनल आंसर समझ में आया तो सेकेंड सब क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया अब उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है रुको देखो जरा तीसरा क्वेश्चन भी है क्या यस तो हमने यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन कर लिया है अभी तीसरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है वो भी आपको बताऊंगी पहले आप इसको देख लीजिए चलिए देखिए यहां पर ये है आपका थर्ड क्वेश्चन तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ क्यूब क्यूब रूट 729 9 है, then, रूट ऑफ ऑफ इज इज इक्वल इक्वल टू टू है देन क्वेश्चन मार्क मतलब आ, इसका वैल्यू क्या होगा वो आप लोगों को बताना है तो कैसे किया जाए चलिए आपको बताती हूं यहां पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन ठीक है यहां पर दिया गया है क्यूब रूट ऑफ सेवन ट्वेंटी नाइन इज इक्वल टू नाइन ठीक है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है अब इसको लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ जीरो पॉइंट जीरो 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 सेवन टू नाइन अब हमारे पास इसका वैल्यू है तो हमें क्या करना पड़ेगा ना यहाँ पे ऐसा कुछ लाने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा कुछ आया तभी हम लोग उसके प्लेस पर नाइन पुट कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो कैसे किया जाए देखो आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ आपने पहले भी ये सब कुछ सीखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे है जीरो पॉइंट टू तो बताओ इसको आप कैसे लिख सकते हो आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे इधर टू है तो टू लिखोगे फिर आप देखोगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है तो पॉइंट के बाद बताओ कितना डिजिट है खाली बस एक तो क्या करोगे यहाँ पर क्या लिखोगे टेन लिखोगे राइट right? अच्छा अगर ऐसा होता मान लीजिए अगर ऐसा है टू टू तो फिर आप क्या करते तो यहाँ पे ट्वेंटी टू लिख देते और डेसिमल के बाद मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है दो तो यहाँ पे क्या लिखते हैं दो जीरो अच्छा अगर ऐसा होता तो फिर इधर ऐसा होता तो एक, एक मतलब यहाँ पे आप दो लिखते उसके बाद एक जीरो क्या करते बढ़ा देते इस प्रकार से आप करते हैं ना तो यहाँ पर भी आप यही वाली टेक्निक यूज कर सकते हो देखो कैसे होगा यहाँ पे लिखेंगे हम क्यूब रूट यहाँ पे क्या है सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं अब आप देखिए नीचे क्या आएगा तो नीचे वन तो पक्का ये तो आएगा ही अब इसके साथ कितना जीरो आएगा तो ये आपको कैसे पता चलेगा आप काउंट कीजिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है तो काउंट कीजिए एक दो तीन चार पाँच छः यानी कि छः जीरो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक दो तीन चार पाँच छः कि नहीं कितना आसान था अब क्या होगा देखो ये जो क्यूब रूट है ना ये दोनों का है तो हम लोग क्या कर सकते बताइए क्यूब रूट दोनों का है ना तो हम लोग दोनों को दे देते हैं है ना जिसका जिसको है उसको दे दिया जाए तो क्यूब रूट ऑफ सेवन ट्वेंटी नाइन और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ क्या है देखो ये है आपका टेन लैक ओके तो पूरा लिखते हैं छः बार जीरो है एक दो तीन छः बार यस कर दिया हमने अब देखो क्यूब रूट ऑफ़ ड्रेड इंटू हंड्रेड आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो यही आएगा कैसे देखो कैसे होगा देखो यहाँ पे एक तो वन आ जाएगा फिर उसके बाद कितना जीरो एक दो तीन चार पांच छ तो छह जीरो तो यहाँ पे है राइट अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते ऊपर तो नाइन आ चुका है उसका कोई टेंशन नहीं है है ना नाइन को ऐसे ही रहने दो अब जो करना है बस हमको नीचे ही करना है यहाँ पे क्यूब रूट यहाँ पे देखो हंड्रेड कितने बार है तीन बार है तो क्या लिखेंगे हंड्रेड का क्यूब राइट अब क्या होगा क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल फिर यहाँ पे आएगा क्या नाइन अपॉन हंड्रेड राइट अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो क्या आएगा आंसर पता है डायरेक्टली आप लोग आंसर लिख सकते हो कैसे देखो यहीं पर आपको लिख करके बता देती हूँ यहाँ पर हम लिख देंगे नाइन ठीक है इधर कितना मतलब कितना ज़ीरो है बताना जरा दो जीरो है यानी हम पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे तो एक और नंबर हम अपने मन से ले लेंगे अब कुछ नहीं है तो क्या करना पड़ेगा एक आपको अपने मन से कोई एक नंबर लेना पड़ेगा तो कोई भी ऐसे वन टू थ्री फोर आप नहीं ले सकते जीरो लेने का ठीक है जब भी आप अपने मन से कोई नंबर लेते हो ना तो जीरो ही लेने का याद रखना ओके तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया जीरो ले लिया और यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट उसके बाद यहाँ पर जीरो जीरो पॉइंट जीरो नाइन ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ओके देखो अगर आपको ये बात समझ नहीं आई ना आप लोग प्लीज ऐसे डिवाइड करके देखो नाइन और हंड्रेड आप लोग ऐसे करके देखिए अभी मिलेगा आंसर देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो पॉइंट लगा देंगे एक जीरो बढ़ा दिया फिर क्या करना पड़ेगा बताओ ये बढ़ा कि ये बड़ा कौन बढ़ा ये बढ़ा है मतलब आपको एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा तो ऐसे ही बढ़ा दोगे नहीं यहाँ पर आप जीरो लोगे और तब जाके बढ़ाओगे समझे फिर इसको करोगे तो जीरो पॉइंट जीरो नाइन यहाँ पे आएगा ठीक है तो डायरेक्टली समझ में आया वेरी गुड पर नहीं समझ आया तो मैंने आपको ये भी ये तरीका भी बता दिया ठीक है ना चलिए तो फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे यहाँ पे लिख दीजिएगा कि दे आर फॉर ये जो था कहा गया ये पूरा देखो क्यूब रूट ऑफ जीरो पॉइंट जीरो 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 सेवन टू नाइन विच इज इक्वल टू क्या आया जीरो पॉइंट जीरो नाइन समझेगी नहीं तो इसको बॉक्स में करने की जरूरत नहीं है बस ऐसे ही लिख दीजिए 0.09 ठीक है तो यहां पर आपका ये जो चैप्टर नंबर थ्री है ना इंडाइसिस एंड क्यूब रूट ये कंप्लीट होता है 3.1, 3.2 और 3.3 तीनों के तीनों प्रैक्टिस एड्स मैंने करवा दिए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और ये तीनों प्रैक्टिस सेट्स को आप बहुत अच्छे से कीजिए ठीक है ये चैप्टर बहुत ही आसान है आप लोग कर सकते हो और ये चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो आप हंड्रेड सॉल्व करके ही आओगे ठीक है तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते